हेलो मेरे गेमर दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। यार बड़े दिन हो गए थे, कोई वीडियो नहीं आ रही थी। और जो वीडियो मैंने मेन वीडियो जो बनाने के लिए दी हुई है, उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है एडिटिंग के अंदर, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्लिपिंग्स हैं। तो मैंने सोचा कि बीच के अंदर एक कोई छोटी सी वीडियो मैं आपको दे दूँ, ताकि आप लोग भी बोर ना हो। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले यार्ड सेल में, पिछले वीक के यार्ड सेल के अंदर मैंने ये डेटा ईस्ट का क्लासिक मिनी आर्केड कैबिनेट लिया था। वैसे तो मेरे ख्याल में 80-85 डॉलर का है, लेकिन उस लड़की ने 40 में लगाया हुआ था। गालिबन 30 डॉलर या 35 डॉलर में मुझे इसने दिया था। अकॉर्डिंग टू हर ये ब्रांड न्यू है और टेप लगी हुई थी इसने, बोला मैंने खोल के देखा है। अब लेट्स सी, इसको ज़रा मैं काटता हूँ टेप को और देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। ना मैंने इसको चला के देखा है, ना मैंने इसके रिव्यूज़ देखे हैं। अच्छा, बेसिकली अंदर से तो कोई हालात सही नहीं है इसके, फटा हुआ है डब्बा। अच्छा, इसकी जो डिस्प्ले लेआउट की इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, फ्रेंच में है, इंग्लिश में है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में है। ठीक है, इसको तो रखते हैं सेड पे, कवर ऊपर का। अच्छा जी, ये बेसिकली जो है आर्किट कैबिनेट है। साइड के अंदर अगर आप देखें तो उसमें गालिबन बर्गर टाइम, बैड ड्यूड्स या ड्रैगन निंजा और डेटा ईस्ट और मेरे ख्याल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट चैम्पियनशिप ऑफ कराटे का है। ये पता नहीं कौन से गेम का है। बहरहाल अच्छा, यहाँ पे एक अंदर चूड़ी टाइप का दिया हुआ है, ताकि इसके अंदर आप जो है जॉयस्टिक भी लगा सकते हैं। ये कॉइन डालने का बटन है, ये बैक है, ये स्टार्ट है और ABXY बटन है। गालिबन ये ऑन ऑफ का बटन है शायद। चलें इसकी पावर लगा के देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। पीछे इसमें USB 2 का जो है वो कनेक्शन का पोर्ट दिया हुआ है। अच्छा जी, लगा दिया। अच्छा, नीचे लाइट जल गई है और ये खुद ब खुद ऑन हो गया। थोड़ा सा क्लोज कर लूं ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। अच्छा जी, बैड ड्यूड, ब्लडी वुल्फ, ब्रेक थ्रू, हैवी बैरल, डार्क सील, डार्विन, कराटे चैम, साइड पॉकेट, केव मैन या जोइन मैक, शूट आउट, बर्गर टाइम, मिड नाइट असिस्टेंस, वेरी गुड, लॉक एंड चेज, बर्गर टाइम अगेन, प्रो बोलिंग, प्रो सॉकर, प्रो टेनिस, रूटिन टूटिन, स्क्रम ट्राई, नाइट्रो बॉल, स्ट्रीट होप, मैजिकल ड्रॉप 3, सुपर डबल टेनिस, सुपर रियल डार्विन, टोमाहॉक 777, ट्रेजर आइलैंड, टम्बल पॉप, वेरी गुड गेम, टू क्रूड ड्यूड्स, वेस्टर्न एक्सप्रेस, विजिट फ्री, जवीगा, आइसक्रीम फैक्ट्री, बी विंग्स, जोइन मैक रिटर्न्स एंड अच्छा फिर यहाँ से वापस रिटर्न हो गई। काफ़ी अच्छे गेम्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम जो पहला गेम है वो लगा के देखते हैं। लेट्स सी, ओए होए, प्रेजिडेंट रॉनी हैज बीन किडनैप्ड। यार ये भी बहुत टाइट गेम था। वाह अरे वाह, है मजेदार। वैसे पावर बनाता हूँ, पावर अप। ओके, ये पेप्सी का कैन देगा, इसे फील बढ़ेगी। अच्छा ये दिए नंचक दे दी, चलो नंचक भी ठीक है। ये चीज हाँ, ये पेप्सी का कैन देगा, दे दे भाई, कोई भी नहीं दे रहा पेप्सी का कैन। ठीक है, बैक अगर हम करते हैं। अच्छा ये वेरी गुड, ब्लडी वर्ल्ड, ब्रेक थ्रू, डार्क सील, ज्वाइन मैक खेलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सही है यार, साउंड वाउंड भी ठीक है, पिक्चर क्वालिटी कोई थोड़ी इतनी कोई खास नहीं है, इट्स ओके। थोड़ी फ्लिकरिंग हो रही है, अगर आपने नजर आ रहा हो इसके अंदर,
तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि क्रिस्टल क्लियर नहीं है. आई थिंक इट वॉज ओके, लाइक आई डोंट रेकमेंड दिस. इससे अच्छा बंदा, ओए होए आग लगे, इससे अच्छा बंदा जो है वो रेट्रो पाई लेके और उसमें अपनी स्क्रीन लगा ले, क्योंकि रेट्रो पाई की भी LCDs आती हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो मैं ज़्यादा रेकमेंड करूँगा बनिस्बत इसके. चल भाई यहाँ पर T-Rex आएगा, आ गया. ठीक है, और देखते हैं कौन से कोई अच्छे गेम. डंका, मैजिकल ड्रॉप, ट्रेशर आइलैंड, टम्बल पाव, या टू क्रूड ड्यूड्स खेलते हैं थोड़ा सा. वैसे डेटा इसने भी बड़े अच्छे गेम्स बनाए हैं. हाँ ये बहुत टाइट गेम था यार. वाह रे वाह. अच्छा इस गेम को मैं खेलता हूँ, या मैं जब भी गेम को देखता हूँ ना, मुझे वो एक फिल्म थी जॉन क्लॉड वैन डैम की, साइबोर्ग. उसमें भी पोस्ट एपोकलिप्टिक जो है वो दौर दिखाया गया है, और लाइक दुनिया में न्यूक्लियर व्यूक्लियर मार के बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बहुत थोड़ी सी आवाम रह गई है, खाने पीने का नहीं है, और बिल्कुल इसी तरह के सारे पंक किस्म के विलन्स हैं, और वो वैन डैम की बेटी को भी उठा के ले जाते हैं. वॉज अ गुड मूवी. दिस गेम रिमाइंड्स मी फॉर दैट मूवी. चलो तो यार ये था बेसिकली डेटा इज क्लासिक का मिनी कैबिनेट. इफ यू आस्क मी, आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस. इट्स नॉट द थिंग दैट आई शुड बाय. लेकिन चूंकि वो $85 की जगह $35 का था, मैंने बोला चलो वाई नॉट. तो इट्स ओके, क्वालिटी इट्स नॉट गुड. इस गेम के अंदर तो फिर भी सही लग रहा है, लेकिन जॉइन मैक में बहुत ज़्यादा फ्लिकरिंग आ रही थी. तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो एक डिटेल वीडियो आने वाली है, और उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें. और मुझे पता नहीं लाइक से होता क्या है, पता नहीं लाइक करें नहीं करें मर्ज़ी आपकी, लेकिन ये है कि शेयर करें और सब्सक्राइब करें. अभी तक मुझे लाइक की जो है वो मंतक समझ में नहीं आई, लाइक करने का क्यों कहते हैं. हो सकता है बस आपका खाली एक ये है कि बंदा अपनी वो डाल निकाले इसके अंदर ना, कि भाई फीडबैक आप कह सकते हो कि भाई पसंद आया. तो एनीवे अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.